सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जियो फोन में वोल्ट का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, जो LTE वोल्ट लिखा होता है, वो आपके मोबाइल में छूट जाता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कहीं भी कॉल लगाते हैं तो कॉल नहीं लगता है। तो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ पे जो वोल्ट का ऑप्शन दिख रहा है ये मेरा चला गया था। तो हमने इसे देखा, उसको सेटिंग किया और फिर इसको वापस लाया। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका अनुभव हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो से लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले आपको अपना सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम अपना सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि ये मेरा सेटिंग है, इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ मोबाइल नेटवर्क एंड डेटा का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि हम यहाँ से अपना सेटिंग ओपन कर लिया हूँ, उसके बाद हम मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ये मेरा मोबाइल नेटवर्क एंड डेटा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये कैरियर का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस कैरियर वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक LTE का जो ऑप्शन दिख रहा है नेटवर्क टाइप, और दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक का। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो नॉर्मल जियो फोन में बाई डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, यहाँ से आपको यहाँ से ऑन रखना है ताकि जब भी आपका वोल्ट डिस्कनेक्ट हो तो वो ऑटोमेटिक तरीके से आपका वहाँ पे वोल्ट ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ से ऑफ होता है, आपको इसे ऑन पे रखना है। तो यहाँ से हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसे ऑन कर लिया हूँ, तो आप भी इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ से हम अपना बैक आ जाते हैं, और उसके बाद आपका जो वोल्ट का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और अगर यहाँ से कभी बे चांस काम नहीं किया है तो सिंपली से आपको जो यहाँ पे एरोप्लेन मोड दिख रहा है, आपको इस एरोप्लेन मोड के ऊपर आके आपको बीच वाला प्रेस करना है, जैसे कि जो ओके होता है आपको ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको ये ऑन कर देना है एरोप्लेन मोड। तो मेरा एरोप्लेन मोड ऑन हो चुका है, यहाँ से मेरा नेटवर्क चला गया होगा। उसके बाद आपको फिर से इसे ऑफ कर देना है। तो यहाँ से हम इसे फिर से इसे ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर देते हैं अगर आप इस प्रकार से, तो आपका जो वोल्ट होता है वो तुरंत डिस्कनेक्ट होगा, फिर से वापस आ जाएगा। तो अगर आपका मान लीजिए हट जाए और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एरोप्लेन मोड ऑन करके फिर से ऑफ कर देना है। और यहाँ से देख सकते हैं मेरा तुरंत वोल्ट आ चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने जियो फोन में बहुत ही आसान तरीके से वोल्ट अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हालांकि मैंने पहले वीडियो बना रखा हूँ, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलिंग का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, आप कहीं भी कॉल लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो डेली देखने को मिलती रहती है।